तो देखो प्यारे बच्चों, अगर तुम देखोगे यहाँ पर कि पोजीशन आपके पार्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ, पोजीशन आपके पार्ट के लिए ये वाली जो चीज़ है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आर वेक्टर, पार्टिकल कोई स्पेस में चला, ए कॉस थीटा आई कैप है प्लस बी साइन थीटा यहाँ से जे कैप है, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट है, थीटा उनके बीच का एंगल है, ठीक ना। किनके किनके बीच का भैया? पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी वेयर ए बी ए कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड एक्स एक्सिस, मतलब पोजीशन वेक्टर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल पी पॉइंट पर, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये है और पार्टिकल ऐसे मान लो चल रहा होगा किसी इंस्टेंट, ये वाली चीज़ पोजीशन वेक्टर है। तो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ओमेगा इफ थीटा, मतलब डी वो एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा ओवर डी टी, एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा है, मतलब थीटा बढ़ेगा, ठीक ना। थीटा बढ़ेगा मतलब पार्टिकल, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा तो ये थीटा कितना बढ़ सकता है, 90 जा सकता है। तो ओमेगा इक्वेशन ऑफ पाथ, अब देखो मेडिकल वालों को क्या होता है, ये दिक्कत आती है, इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। इक्वेशन ऑफ पाथ जब भी फिजिक्स में पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड को आपस में रिलेट कर दोगे, वहाँ से जो मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा वही बता सकता है कि ये पाथ कैसा होगा, रास्ता कैसा होगा जिसमें पार्टिकल चल रहा है। तो अब देखो हमें एक्स वाई के बीच रिलेशन होगा, तो इस पोजीशन वेक्टर को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ एक्स आई कैप और वाई जे कैप, टू डायमेंशनल आई जे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए कॉस थीटा और वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए साइन थीटा। अब अगर हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए तो मैं इस थीटा को इलिमिनेट कर देता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स अपान ए कॉस थीटा और इसको मैं लिख सकता हूँ वाई अपान बी साइन थीटा, ठीक ना। और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो मुझे एक अच्छा सा इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर वन आ जाएगा। तो ये एक्स और वाई में रिलेशन आ गया और ये किसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट को रिलेट करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली सी ऑप्शन अपना सही बनता है। थैंक यू।